कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर पूरे देश जूझ रहे हैं। ऐसे में पंचायत भीरखुर्द मुखिया संजीव कुमार सुमन ने लगातार ग्राम वासियों को सेवा करते आ रहे हैं। लॉकडाउन 1 व 2 में करते आ रहे हैं, अब लॉकडाउन 3 में भी अपनी कमर एक बार फिर कस ली है, जन सेवा के कार्य में जुट गई है। जहां बिहार से बाहर फंसे मजदूरों का आगमन शुरू हो गया है, उन्हें सही समय पर कोरोना सेंटर भेजना हमारी प्रमुखता है। बाहर से आए मजदूरों को बिना जाँच किए गाँव में प्रवेश करना हमारी पैनी नजर रहेगी। वही मुखिया संजीव कुमार सुमन ने बताया है कि पूरे देश में कोरोना काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिर आज भालपुर जिले में 6 नए पॉजिटिव केस सामने आया है, उनमें भी सीमावर्ती बाजार शाहकुंड में भी एक मरीज मिला है। ग्राम पंचायत भीरखुर्द को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि गश्ती टीम और बढ़ाई जाए ताकि कोरोना की जंग हम लोग मिलकर लड़ सके। ऐसी स्थिति में आज संध्या काल से ग्राम पंचायत भीरखुर्द में आने वाले समस्त मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राम पंचायत के आपदा टीम की ड्यूटी पर तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे की भी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर भीरखुर्द के स्वतंत्र आपदा टीम के सदस्य शिवम कुमार, अक्षय कुमार, चंदन कुमार, बिट्टू कुमार, निरंजन कुमार, रमेश कुमार, सूरज कुमार का योगदान इस कार्य में लिया जा रहा है। सुल्तानगंज से संजीव कुमार के साथ संतोष राज की रिपोर्ट। भागलपुर का ये सीमावर्ती क्षेत्र, आप ग्रामीण को क्या सहयोग दे रहे हैं रात्रि में? ये सहयोग की बात नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और मुंगेर अभी एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही हब बन गया है, वैसे स्थिति में ग्राम पंचायत भीरखुर्द को यही वो जगह है जो मुंगेर और भागलपुर की सीमा को जोड़ता है और इस रास्ते से चोरी छुपे ग्राम पंचायत भीरखुर्द के मजदूरों का आगमन होता है और चोरी छुपे अपने घरों में जाके दुबक जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से जो ग्रामीण आ रहे हैं उनका सही से जांच हो और उन्हें जो है अस्पताल क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए, ऐसी जगह पे खुद हम जो है ड्यूटी पे मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा भी गांव के जितने इंट्रेंस हैं सभी जगह पे ग्राम पंचायत भीरखुर्द के जो हमारे आपदा के टीम हैं उनके सदस्यों को लगाया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं आप उन्हें वहीं पे रोकें, कंट्रोल रूम को आप खबर करें। उसके बाद जो समुचित सुविधा है, गाँव के अंदर एक ऑटो रखा गया है जिसके माध्यम से जो सैनिटाइज है पूरी तरह से उनके द्वारा उन्हें जो है क्वारंटाइन के लिए जो है प्रखंड मुख्यालय भेजा जाता है। 3 मई 2020 ग्राम पंचायत भीरखुर्द के समस्त पंचायत वासियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जो समाचार प्रेषित की गई, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो समाचार प्रेषित की गई, इसमें भागलपुर जिला के अंतर्गत 6 कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं, इसमें नाथनगर और साकुंड में जो सुल्तानगंज से बहुत नजदीक है। ऐसे स्थिति में एहतियातन तौर पर तमाम विधानसभा वासियों से, जिला वासियों से मेरी अपील है कि जिस तरह अप्रवासी मजदूरों का आना बिहार में चालू हो गया है, ऐसे स्थिति में आप सावधान रहें, सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। मैं मानता हूं कि त्यौहार का महीना है लेकिन आप सावधान रहें। दूसरी चीज है कि क्यों ना हम लॉकडाउन की स्थिति को बरकरार रखने के लिए जो ये खाद्य सामग्री जो हम बांटते हैं सामाजिक संगठन के द्वारा या फिर राजनीतिक दल के द्वारा, इसको कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि खाद्य आपूर्ति अगर सरकार पीडीएस दुकानों के माध्यम से कर रही है तो ऐसे स्थिति में जो जहां है कोई भी राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन वो अपने अगर आसपास के एरिया को सिर्फ अगर देखे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी जनसेवा होगी, बजाते इसके कि हम बाहर निकल के किसी और प्रखंड में या किसी और थाने में या और किसी जिला में जाकर अगर हम वितरण करते हैं। तो जिला प्रशासन की तरफ से एक छोटा सा एडवाइजरी चाहेंगे, अगर संभव हो तो इस पर रोक लगाने के लिए या इसे कंट्रोल करने के लिए या इसे संयमित करने के लिए कि कम से कम पोस्टर पंपलेट और ये सब चीज़ें कहीं ना हो, प्रचार प्रसार का माध्यम ना बनाया जाए और फिलहाल अगर हो तो इसे स्थगित ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बातों के इसके अलावा जो हम सब की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का, हम सभी मुस्तैद हैं और अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। रही बात आम आदमी से अपील की तो मैं एक छोटा सा अपील करना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और लॉकडाउन की स्थिति को आप बरकरार रखने में सहयोग दें। जिला प्रशासन से एक छोटी सी अपील मैं और करना चाहूंगा, विनम्र आग्रह के साथ एक मांग कह लीजिए इसको, कि कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था को इतना जरूर दुरुस्त किया जाए जो लॉकडाउन 1 और 2 में नहीं हो पाया। ग्रामीण स्तर पे जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है ये जिला प्रशासन के स्तर से या फिर थानों को उतने पुलिस बल की जो है पुलिस बल मुहैया नहीं कराया गया, जिससे कि गश्ती का कार्यक्रम जो होना चाहिए तो पुलिस बल मुहैया कराया जाए और गश्ती की संख्या बढ़ाया जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं अपील के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, सरकारी आदेशों का पालन करें। मैं मुखिया संजीव कुमार सुमन, सजिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
press the bell icon on the YouTube and never miss another update.